देश के नामी पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ रविवार से राजधानी दिल्ली में धरने पर हैं। इनमें वो 7 महिला खिलाड़ी भी हैं, जिन्होंने बीजेपी के इस बाहुबली सांसद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला पहलवानों ने दिसंबर और जनवरी में भी ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। तब केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने महान मुक्केबाज मैरी कॉम के नेतृत्व में एक जांच पैनल बनाया था। जांच पैनल ने अपनी जांच पूरी कर ली है, लेकिन इससे ब्रजभूषण शरण सिंह के रसूख का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जांच पैनल की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई। पिछले शुक्रवार को 7 महिला पहलवानों ने दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की। दिल्ली पुलिस ने अभी तक FIR नहीं की है। उसका कहना है कि वो पहले आरोपों की जांच करेगी और उचित लगा तो FIR करेगी। इसके अलावा उसने उस केंद्रीय जांच पैनल की रिपोर्ट मांगी है, जिसने अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है। बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर जब से महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, तब से उनके बारे में सोशल मीडिया पर तरह तरह की टिप्पणियां आ रही हैं। पहलवानों को देश भर से भारी समर्थन मिल रहा है। इसी बीच जब निजी न्यूज चैनल आज तक ने पहलवान विनेश फोगाट से बातचीत की। इतने साल आपका करियर रहा है, क्या कभी आपने ऐसा फील किया कि कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट टाइप या कोई गुड टच या बैड टच आपको पर्सनली ऐसा फील हुआ? आप इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहे हो कि मेरे साथ में कुछ ऐसा हुआ? पहलवान ने इस पर अपनी खुलकर बात रखी। आपको ऐसा लगा कभी? कुछ लगा है, कुछ हुआ है, तभी मैं यहाँ पे आई हूँ। इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए। ये एकदम फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है।